मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आज हम रिफ्रेशर एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे आप सभी का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 9064 कार्स इन जुलाई एंड 2064 कार्स इन अगस्त। इफ़ दे सोल्ड ए टोटल ऑफ 1662 कार्स ऑन 31 अगस्त, फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्स। तो एक कार कंपनी के द्वारा जुलाई और अगस्त के दो महीने के अंदर कुछ कार्स का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, उसके बाद अगस्त में कुछ कार्स को यहाँ भेज दिया गया है और उसके बाद हमें ये बताना है कि कितनी कार्स रह जाएंगी। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई, तो जुलाई के अंदर कितनी कार मैन्युफैक्चर्ड हुई, 9064, एंड कार मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त 2064, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11128 कार्स। तो ये इतनी कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुई। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड 11128, एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड और कितनी कार्स बेच गई हैं, 1662 कार्स को सोल्ड किया गया है। हम रिमेनिंग कार्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 11128 से 1662 को माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्स आ जाएगा 9466। ओके, तो ये क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद जितनी कार सोल्ड हुई उसको हमने टोटल से माइनस कर दिया और ये आंसर आ गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है I subtracted a number from the sum of 4095 and 2135. I यानी कि मैं subtracted किया एक number from the sum of इन दोनों के numbers के sum से and got 5134 और मुझे 5134 मिला। तो which number did I subtract? तो मैंने कौन सा number subtract किया ये हम बताना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों के नंबर्स का सम, 4095 और 2135 का। तो लिखेंगे सम ऑफ 4095 एंड 2135, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा 6230, दोनों का सम आया 6230। इसके बाद हम रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6230 माइनस 5134। माइनस कर देंगे, माइनस करने पर यहाँ ज़ीरो है, कैरी लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से हम 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह जाएगा 2, 2 से 3 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 से 3 माइनस करेंगे 9, यहाँ आएगा 1 और 1 से 1 माइनस करेंगे 0 और यहाँ रह जाएगा आपका 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा 1096। तो 1096 वो नंबर है जिसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो आज के लिए दो ही क्वेश्चन है। अब हम ये जितने चैप्टर हम आपको करा चुके हैं, इन्हें कराने के बाद अब हम आपके टेस्ट लेंगे, तो इसलिए आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन करने के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। ओके।